Lakshman, welcome to Quantum Mechanics 1, Chapter Number 3, Fundamentals of Quantum Mechanics. आज का हमारा टॉपिक है The Conservation of Probability और ये उसकी इक्वेशन है जो कि अभी हम इस लेक्चर में इसको प्रूफ करेंगे. So, The Conservation of Probability इसको डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को. सो द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ रियल पोटेंशियल वी इज, तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो कि किसी पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा हो, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. ये हमने चैप्टर वन में डिस्कस किया था. अब वो कहते हैं कि अगर उसका इस इक्वेशन का विच इज माइनस एच स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ साई, वी इज द पोटेंशियल, ये हमने डिफाइन किया था, इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल पार्शियल टी साई. ये कंप्लीट ई की वैल्यू है, ठीक हो गया, और ये वेव फंक्शन. अब वो कहते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है तो ये टर्म तो सारी कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएंगी, डेल स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, जो वेव फंक्शन था वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक हो गया. यहाँ भी पोटेंशियल एज इट इज आ गया, ये वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया, और यहाँ भी वेव फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया. बाकी यहाँ आयोटा जो है, इस आयोटा का कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा एंड एच कट पार्शियल पार्शियलिटी एज इट इज आ गया. अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं. लेट्स से हम इस इक्वेशन को नंबर देते हैं 1.11 एंड दिस वन इज 1.12. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1.1 बाय साई कॉम्प्लेक्स एंड 1.12 बाय साई. तो इस इक्वेशन को साई कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करना है आपने फ्रॉम द लेफ्ट दिस इज साई कॉम्प्लेक्स और इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय साई फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये सिंपल साई से मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. तो क्या होगा, ये जो साई कॉम्प्लेक्स है इसको हम डेल स्केयर से पहले लिखेंगे. डेल इज बेसिकली एन ऑपरेटर, ये हमने चैप्टर टू में पढ़ा था. और माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो जो वेव फंक्शन है जो आपका साई है वो कांस्टेंट पर तो अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए हम साई कॉम्प्लेक्स को जो है वो ऑपरेटर से पहले लिखेंगे. यहां पर समझ आ रही है, क्योंकि ऑपरेटर के बाद लिख सकते क्योंकि इसने अप्लाई होना होता है. तो यहां पर ये साई कॉम्प्लेक्स यहां भी आएगा ऑफ कोर्स बिफोर बी, तो इसकी वैल्यू यहां भी आएगी, इसी तरह से इसकी वैल्यू इसके साथ भी आएगी. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लेंगे, ठीक है, ये मैं ड्रा कर देता हूं आपकी आसानी के लिए. सो Psi complex will also comes here. तो अब ये जो साई है ये यहां पर भी आएगा, ये यहां भी आएगा और ये यहां भी आएगा. तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, फिर इनको हमने करना है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल वाली टर्म है, पोटेंशियल वाली टर्म ये वैनिश हो जाएगी, ठीक है, और ये जो टर्म है डेल स्क्वायर वाली इसमें से माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म तो ये आ जाएगी, यानी कि सेकंड टर्म यही बनेगी ना, साई डेल स्क्वायर साई कॉम्प्लेक्स, तो ये आ गई. और इसी तरह से राइट साइड पर भी आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा और वहां हमारे पास बाकी इंटरनल टर्म्स आ जाएंगी. अब यहां पर जो है ये ऑलरेडी यहां माइनस था, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर हो गया यहां तक. अब
ये जो इक्वेशन है ये वही प्रीवियस इक्वेशन है जो हमने लास्ट इक्वेशन ये वाली डिस्कस की है, दिस वन, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगेन थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, कैसे कि आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आयोटा नीचे डिवाइड हो गया है, और यहाँ आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। इतना से एच कट से भी डिवाइड करेंगे, तो एच कट से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर स्केयर था तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहां जब एच कट से डिवाइड करेंगे तो एच कट कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी यहां पर हमारे पास रह जाएगा माइनस एच कट ओवर टू आयोटा एम, और राइट साइड पर इस इन टर्म्स को अरेंज करेंगे तो ये पार्शियल पार्शियल टी इंटू साई कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट जस्ट इसको अरेंज इस तरह से किया है कि ये माइनस वाली टर्म है और ये प्लस वाली टर्म है यहाँ पर, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या इस माइनस वाली टर्म को इधर ले आएं तो ये प्लस की हो जाएगी और लेफ्ट साइड पे जस्ट जीरो रह जाएगा। तो बहरहाल आपके पास ये एक फाइनल टर्म आएगी जिसमें पार्शियल पार्शियल टी साई कॉम्प्लेक्स इंटू साई प्लस एच कट ओवर टू आयोटा एम डेल एंड दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू जीरो। वो कहते हैं बाय एनालॉग विद चार्ज कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोडायनेमिक की इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, तो उसमें ये एक इक्वेशन से जो जिसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं उस इक्वेशन को, और हमने जो इक्वेशन प्रूव की है अभी ये वाली इक्वेशन, इसको कंपेयर कर रहे हैं, एनालॉग कर रहे हैं। सो वी कैन राइट एन इक्वेशन एज फॉलोस। अब वो कैसे, पार्शियल और पार्शियल टी, तो ये पार्शियल और पार्शियल टी एज इट इज आ गया दिस वन, ठीक हो गया। अब ये जो टर्म है, वैसे तो हमने ये चैप्टर वन और टू में पढ़ा है कि साई इंटू साई कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली साई मॉड स्क्वायर के बराबर होते हैं, राइट, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन से, तो इसको हम यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, हम इसको यहाँ कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि इक्वल होता है रो आर कॉमा टी, मीन्स रो इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जस्ट रो कहलाती है, लेकिन वो जो है फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम का, और पोजीशन जो है वो थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जी तीनों, बिकॉज आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई पार्शियल और पार्शियल टी रो प्लस डेल डॉट जे। अब ये डेल डॉट जे कैसे होगा, ये डेल हमारे पास पहले मौजूद था यहां, और जे जो है उसको हमने डिफाइन कर लिया अगेन दैट जे एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम विल बी इक्वल टू आयोटा एच कट ओवर टू एम, ठीक है जी। सो अगेन साई वेक्टर साई कॉम्प्लेक्स माइनस साई कॉम्प्लेक्स डेल साई, तो ये जे की वैल्यू आ गई आपके पास। इस जे की वैल्यू को यहाँ कंसीडर करेंगे तो इसके बाद डेल के बाद बाकी जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू कहलाती है। तो बेसिकली हमने इसको यहाँ तक तो हमने वेक्टर फॉर्म यूज नहीं की थी, बट यहाँ हम उसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में यूज किया है, इसलिए ये तमाम टर्म्स जो है हमने फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है। तो अगर इन इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट होती है बाय यूजिंग द कंजर्वेशन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को कहते हैं, और सॉरी जे के बारे में बताना भूल गया, कि जे जो है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहलाती है। सो रो वाज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड जे वाज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। सो हेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स के रो इज डिफाइंड as likelihood of finding a particle per unit volume,
ठीक है, डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आप लोगों को पता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको डिफाइन करेंगे फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। और ये तो होगी रो की डेफिनेशन। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे और करंट डेंसिटी, इसको हम बात कर रहे हैं जे के बारे में। सो जे इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। तो ये फ्लो ऑफ पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से जो इक्वेशन 1.14 यानी कि जो इक्वेशन हमने फाइनल प्रूफ किया दिस वन, आप इसको 1.14 इक्वेशन कह सकते हैं। सो इज इंटरप्रेटेड एज इंटरप्रेटेड एज द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपके जो है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इसे कह सकते हैं या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं इसे। तो ये बहुत अहम इक्वेशन है, इसको हम चैप्टर 4 में यूज करेंगे एज इट इज। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और ये ना सिर्फ क्वांटम में बल्कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ये ऑलमोस्ट हर मेजर सब्जेक्ट में यूज होती है ये इक्वेशन। तो इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी फर्दर डिटेल जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होपफुली हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड फॉर डिटेल यू कैन गो टू सी दिस लेक्चर इन आवर बुक नोन एज द क्वांटम मैकेनिक्स वन बाय क्वांटा पब्लिशर, एंड यू कैन गेट दिस बुक बाय ऑर्डरिंग एट दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।